क्या आप सोरायसिस से निराश हो चुके हैं? क्या आप चाहते हैं कि हमेशा के लिए खत्म हो जाए? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपका जीवन बदलने जा रहा है। इस वीडियो का एक एक शब्द अंत तक ध्यान से सुनिए। मेरा नाम डॉक्टर पंकज भारती है। मैं पिछले 18 सालों से सोरायसिस के मरीजों का बहुत ही सफलतापूर्वक इलाज कर रहा हूँ। मैंने अपनी डॉक्टर्स की टीम के साथ मिलकर कई अन्य बीमारियों के लिए भारत के राष्ट्रपति, कई नेशनल लीडर्स, कई राज्यों के गवर्नर्स, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, सेलिब्रिटीज और देश विदेश के अनेकों लोगों का इलाज किया है। 2013 में मुझे चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष कार्यों के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए भी नामित किया गया था। आज मैं बात करूंगा पिछले 13 सालों से पूरी तरह से सोरायसिस से मुक्त एक मरीज के बारे में, जिनका नाम है गणेश रेड्डी। ये आईटी प्रोफेशनल हैं। गणेश बेंगलोर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर हैं। इलाज लेने के बाद इतने सालों में इन्हें कभी भी दोबारा सोरायसिस नहीं हुआ। इन्होंने सिर्फ एक काम किया कि इन्होंने सोरायसिस होने के सही कारणों को जाना और उसे ठीक करने के लिए इसका सही इलाज अपनाया। ठीक होने के बाद भी इन्होंने फूड और लाइफस्टाइल में जो चेंजेस किए उनको पूरी तरह से अपनाए रखा। इसका रिजल्ट ये हुआ कि ये ना सिर्फ सोरायसिस फ्री हैं, बल्कि तब से इन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी दूसरी बीमारी नहीं हुई है। अब ये परफेक्ट हेल्थ के साथ ऑप्टिमम एनर्जी एंजॉय करते हैं। गणेश बताते हैं कि बीमारी ठीक होने के बाद से इनका कॉन्फिडेंस भी कई गुना बढ़ गया है। गणेश सबसे ज्यादा इस बात से खुश हैं कि लोगों का एटीट्यूड इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव हो गया है। गणेश जैसे हजारों सोरायसिस के मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हैं और सम्मानपूर्वक जीवन बिता रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में 1981 से 1993 के बीच 7385 सोरायसिस के मरीजों पर एक स्टडी हुई, जिसमें ये बात निकल कर सामने आई है कि सोरायसिस पूरी तरह से फूड और लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है। रिसर्चेस में ये भी सामने आया है कि ऐसे लगभग सभी रोगी पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं और जीवन भर स्वस्थ भी रह सकते हैं। एलोपैथिक ट्रीटमेंट से बीमारी कुछ समय के लिए सप्रेस तो हो जाती है, लेकिन ठीक नहीं होती है। लंबे समय में इसके सीरियस साइड इफेक्ट्स भी मरीज को फेस करने पड़ते हैं। जर्मन डॉक्टर डॉक्टर गर्सन, जो बाद में अमेरिका में बस गए थे, इनके अनुसार सोरायसिस होने के पीछे मुख्य रूप से कुछ फूड एलर्जीज के साथ हमारी फॉल्टी फूड हैबिट्स, फॉल्टी लाइफस्टाइल, परसिस्टेंट स्ट्रेस और पॉल्यूशन जिम्मेदार हैं, जिनके कारण से शरीर की सेल्स के अंदर टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, वाइटल ऑर्गन्स में कंजेशन होता है, शरीर में एसिड और एल्कलाइन इम्बैलेंस हो जाता है, साथ में शरीर में पोषक तत्वों की भी डेफिशिएंसी होती है। ये सभी कारण मिलकर शरीर की मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं। अगर हम लेमैन लैंग्वेज में समझें तो हमारे शरीर में केमिकल लोचा हो जाता है। इसी कारण से हमारा इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता है। सोरायसिस इसी इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी के कारण होने वाली बीमारियों में एक है। सोरायसिस होने पर शरीर की सेल्स का डिवीजन जल्दी जल्दी होने लगता है। हेल्दी व्यक्ति में नई सेल्स बनने में 21 से 28 दिन का समय लगता है, लेकिन सोरायसिस होने पर ये सेल्स 1 से 5 दिनों में ही बनने लगती हैं, जिससे स्किन सरफेस पर सर्कुलर पैचेस बन जाते हैं। ये सामान्य रूप से रेड कलर के होते हैं। सोरियाटिक पैचेस सिल्वरी स्केल से ढके रहते हैं। सोरायसिस ठीक करने के लिए ऐसी ही चिकित्सा कारगर होगी जो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस को ठीक कर सके। जैसे ही मेटाबॉलिक इंबैलेंस करेक्शन होता है, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम भी ठीक से काम करने लगता है, जिससे एबनॉर्मल सेल साइकिल नॉर्मल सेल साइकिल में बदल जाता है और सोरायसिस पूरी तरह ठीक हो जाती है। जर्मन डॉक्टर डॉक्टर गर्सन ने डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए डॉक्टर गर्सन्स ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डेवलप किया। इसके अंतर्गत सेलुलर टॉक्सिन्स रिमूव करने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन, वाइटल ऑर्गन कंजेशन को ठीक करने के लिए डीकंजेशन, एसिड और एल्कलाइन इंबैलेंस
करेक्शन के साथ सभी पेशेंट्स को सही और ऑप्टिमम न्यूट्रिशन दिया गया। साथ में फूड एलर्जेंस को पूरी तरह से स्टॉप करने की सलाह दी, जिसका परिणाम हुआ कि शरीर की सेल्स का इन्फ्लेमेशन कम होने से शरीर का मेटाबॉलिज्म सुधर गया, जिससे अधिकांश सोराइसिस पेशेंट्स पूरी तरह से ठीक हो गए। हम लोग पिछले 18 सालों से होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम से सोराइसिस के मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज कर रहे हैं। इस इलाज से वो सभी मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं जो इस ट्रीटमेंट प्रोसेस को डिसिप्लिन से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। पूरी तरह से ठीक होने के बाद मरीजों को बीमारी फिर से ना हो, इसके लिए उन्हें सही खान पान और सही जीवन शैली अपनाने की सलाह दी जाती है। होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम से मरीज न सिर्फ सोराइसिस मुक्त रहते हैं, बल्कि उन्हें फ्यूचर में किसी और बीमारी के भी होने की संभावना खत्म हो जाती है, क्योंकि ये प्रोग्राम आपके शरीर को इन टोटेलिटी एड्रेस करता है। चिकित्सा लेना बहुत ही आसान है, सभी मरीज इसे बहुत ही आसानी से अपने घर पर ही बैठकर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के हॉस्पिटल एडमिशन की या रेगुलर विजिट्स की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको या आपके किसी अपने को सोराइसिस है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर अवश्य कॉन्टेक्ट करें। आप हमारे डॉक्टर से ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, या फिर हमारे क्लिनिक पर स्वयं आकर डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। फॉलो द ट्रीटमेंट प्रोसेस एंड योर लाइफ विल बी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म, ये मेरा आपको वादा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे भविष्य में भी आपको हमारे सभी अपडेट्स मिलते रहें। तुरंत कॉल करें। थैंक यू।